वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वाक्षी ने आज 2020 के अंदर कैंपेन शुरू किया है। हमारी जिम्मेदारी है, आप सबने हमारी वाक्षी पर जो विश्वास दिखाया है उससे हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपके पास में खाने का एक एक अन्न का दाना जो पहुंच रहा है वो बिल्कुल शुद्ध पहुंचना चाहिए। इसके लिए 2020 में अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और हमने ये कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अब से हर दूसरे तीसरे महीने में हम अपने स्टोर का खुद प्रोडक्ट उठाएंगे और उसे लैब में टेस्ट करवाएंगे और ये चीज़ जानकारी लेंगे कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं क्या इनमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड है या नहीं है। आप में से भी अगर कोई बेनिफिशियरी जिसको अगर किसी प्रोडक्ट पे शक होता है या कुछ होता है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, आप अपनी जब हमें व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जब आप इंक्वायरी भेजते हैं तब आप उसके टेस्टिंग की जो है वो हमसे कह सकते हैं कि टेस्टिंग इसकी करवाई जाए, तो अगले स्लॉट के अंदर उसकी टेस्टिंग तक जो है वो करवाई जा सकती है। तो अब जो हम इस बार है हमारे साथ में विवेक जी हैं ओपल टेस्ट लैब गाजियाबाद से। हमने विवेक जी को जो है आमंत्रित किया हुआ है। इनके हेड हैं वीरेंद्र जी जो इन सारी चीजों की टेस्टिंग्स जो हैं वो करेंगे और हमें ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देंगे। अब जैसे मैं आज इस बार जो अब अक्टूबर में 2020 में हम ऑर्गेनिक सोल कंपनी का जो हमारे यहाँ पे गेहूं का आटा है, आप समझते हैं 500 से 600 किलो आटा तकरीबन पूरे महीने वाक्षी के यहाँ से जो जा रहा है, ये चीज प्रमाणित करनी बेहद आवश्यक है। हालांकि इसकी टेस्ट रिपोर्ट कंपनी के पास होती है लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए हम इसको अलग से रैंडम टेस्टिंग्स अपने स्टोर की करवाएंगे और मुश्किल से 4-5 दिन का टाइम लगेगा जो विवेक जी जो है हमारे पास में ये रिपोर्ट लेकर आएंगे जो हम आपको इसी वीडियो के अंत में दिखाएंगे कि वो टेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें कौन कौन से टेस्ट कराए गए और ये जो ऑर्गेनिक सोल का आटा है होल व्हीट आटा क्या उस प्रमाणिकता पे खरा उतरा या नहीं उतरा। तो आप वाक्षी पर विश्वास बनाए रखें, हमारे स्टोर के अंदर एक एक प्रोडक्ट की खुद टेस्टिंग्स करवाना, उनको प्रीमाइसिस में जाके चेक करना, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करना, इसमें जो जो कदम वाक्षी ले सकती है वो लेगी ताकि आपके परिवार तक आपके बच्चों तक सुरक्षित भोजन हर हाल में पहुंचे। वाक्षी को इतना समर्थन इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।